मर्डर मिस्ट्री अब सुलझ चुकी है। हमारे को मिली खबर के हिसाब से हम आपको बता दें, प्रद्युमन की हत्या और किसी ने नहीं करी है, करी है हत्या 11वीं क्लास के छात्र ने। हम आपको बता दें उस छात्र को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करके उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। हमारे को मिली खबर के हिसाब से हम आपको बता दें कि प्रद्युमन की पहले मम्मी ये कह रही थी कि प्रद्युमन की हत्या ड्राइवर ने नहीं करी है, स्कूल वालों ने ये कह रहा था कि प्रद्युमन की हत्या ड्राइवर ने करी है, लेकिन ऐसा नहीं था। सीबीआई जांच से और सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला है कि प्रद्युमन की हत्या 11वीं क्लास के छात्र ने करी है। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि प्रद्युमन की हत्या जब 11वीं क्लास के छात्र ने करी थी तो ये सीसीटीवी फुटेज पहले भी देख सकते थे पुलिस, लेकिन हम आपको बता दें कि पुलिस के हाथ में जब केस आता है, पुलिस से नहीं संभलता तो बुलाई जाती है सीबीआई। सीबीआई ने जांच करके ये बताया था कि इसके हत्याकांड में ड्राइवर का हाथ नहीं है, लेकिन पुलिस ये कह रही थी कि प्रद्युमन के हत्याकांड में ड्राइवर का हाथ है, क्योंकि प्रद्युमन की हत्या करने से पहले ड्राइवर टॉयलेट में चाकू लेके गया था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस कांड के हिसाब से और इस कांड के चलते हुए काफ़ी स्कूलों की बदनामी हुई है, बच्चों के माँ बाप बहुत ज़्यादा डर गए हैं। हम आपको बता दें कि बच्चे को स्कूल में डालें या ना डालें। हम आपको बता दें, हमारे घर के पास में ही ये खबर थी कि बच्चों को स्कूल में नहीं डालेंगे, क्योंकि प्रद्युमन का जब ये कांड चल रहा था तब बच्चों के एडमिशन चालू हो रहे थे, यानी कि पूरी तरीके से बच्चों के माँ बाप डर चुके थे। दोस्तों, ऐसी ही खबर के हिसाब से बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही इस बेल के बटन को दबा दीजिए और बने रहिए हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।